हाय गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक ब्रांच स्ट्रैटेजी बना के दिखा था पीपीटी में, प्रेजेंटेशन बनाकर। उसका हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं किया है। तो आपने सारे कमांड्स सीख लिए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम लोग सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं अभी, जिससे कि हमें कमांड्स जो कि हमें ऑलरेडी आता है, तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी पर अपना फोकस कर सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको वापस से रिमाइंड कर देता हूँ ज़रा सा पीपीटी में दिखा के, जिससे कि जिन्होंने नहीं देखा उनको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कीजिए और उसको देखिए पूरा प्लेलिस्ट, तभी आपको अच्छे से समझ में। आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके से, आप मेरे चैनल में जाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए, प्लेलिस्ट में जाना है, प्ले शॉर्ट टैब में, उसके बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, वैसे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बट आप कंट्रोल एफ करके गिट लिख लीजिएगा, ज़्यादा ईजी होगा। गिट अब लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये। देखिए, आपको मिल जाएगा गिट एंड गिट हब, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, व्हाट इज गिट, ये सारी मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और आपको सारा कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो इसको देखिएगा और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे बेसिक्स जो हो क्लियर हो, सारे कमांड्स आपके क्लियर हो, फिर आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। सो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रांच स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से, पर रिमाइंड करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मास्टर या मेन ब्रांच हमारा एक है। मान लीजिए कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको मुझे अब रिलीज करना है, मैं चाहता हूँ कि वह रिलीज हो जाए, या फिर मैं इसको मेंटेन करके रखना चाहता हूँ अच्छे तरीके से गिट के साथ, ताकि मैं उसमें रिलीज वगैरह अच्छे से कर सकूँ अपना सॉफ्टवेयर। हम लोग भविष्य के लिए सोच के लिए चलते हैं कि कल को रिलीज वन आएगा, मेरे वर्जन मतलब मेरे सॉफ्टवेयर का वर्जन वन आएगा, वर्जन टू आएगा, वर्जन थ्री आएगा, डेवलपमेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। तो इसलिए मैंने इसमें रखा कि सोचा कि इसको गिट रिपोजिटरी के तौर पर रखते हैं और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में लगाते हैं। इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्या बनाया, एक गिट रेपो में कन्वर्ट किया। गिट रेपो में जैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे हम लोग ब्रांच के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो कैसे, वह स्ट्रैटेजी जो हमने देखा था, मतलब अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप उस प्रोजेक्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को कैसे आप वो अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, कैसे उसके डेवलपमेंट को मेंटेन करेंगे, कैसे उसके रिलीज को मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान से देखिए और समझिए। मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने गिट इनिट करके इसको एक गिट रेपोजिटरी में बदल दिया, ठीक है। अब उसमें ब्रांच मैंने क्रिएट किया, या फिर इनिशियली हमें मिल जाता है कि मास्टर ब्रांच या फिर मेन ब्रांच, दोनों में से कोई एक, या फिर आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। तो एक मास्टर ब्रांच हमारे पास है। अभी इसमें आपने कुछ कमिट किया, जैसे कि हमारा पहला हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने इनिशियली रिलीज करना है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उस सॉफ्टवेयर को पहले गिट रेपो में बदला। गिट रेपो में बदलने के बाद हो सकता है कि मैंने कुछ और डेवलपमेंट का काम किया हुआ, तो मैंने इसमें एक कमिट डाल दिया, जो नंबर वन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग इसको रिलीज करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक नया ब्रांच बनाया, रिलीज वन। मैं मास्टर ब्रांच से डायरेक्ट रिलीज कर दूंगा, मतलब मैं मांगा अगर कहूंगा अपने कस्टमर्स को कि मास्टर ब्रांच से ही आप मेरा डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर और आप यूज़ कीजिए, तो कल को अगर कोई बग आता है तो फिर वह बग सर्व होता जाएगा आगे। सो मैंने स्ट्रैटेजी लगाया हुआ है कि मास्टर ब्रांच में हमारा डेवलपमेंट का जो काम रहेगा वह चलेगा धीरे धीरे, और रिलीज के लिए हमने एक रिलीज वन ब्रांच बना लिया। फिर आप इसको कह सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन वन टू हमने बना लिया, और इससे हमने ब्रांच बना के और जो भी इसमें टेस्टिंग वगैरह करना वह हमने किया और कस्टमर को हमने सर्व कर दिया। तो कस्टमर इस ब्रांच में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, बाकी मैं अपना काम आगे चालू रख सकता हूँ मास्टर ब्रांच में। मैं अपना जो डिबगिंग है, जो कुछ भी डेवलपमेंट का काम वह कर रहा हूँ और कमिट्स में लगाते जा रहा हूँ। सो सेकंड कमिट किया मैंने यहाँ पर, जो भी मैंने काम किया उसके बाद मैंने एक कमिट मारा, और अब मेरे पास कुछ डेवलपर आया, उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर एक नया फीचर ऐड कर दें। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं स्विगी, जोमेटो और बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह जिस तरह के भी ऐप्स हैं, उसमें आप उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इनिशियली उन्होंने फ्लिपकार्ट का या फिर स्विगी का एक ऐप है जो कि फूड डिलीवरी का ऐप है, आप लोगों को बता होगा स्विगी जोमेटो। तो मास्टर ब्रांच में हम लोग इसको ऐसे भी एज्यूम करें, ज़रा बेटर आई थिंक लगेगा कि स्विगी का इनिशियली हमने एक रिलीज बना दिया स्विगी वन, स्विगी रिलीज वन, और वह कस्टमर यूज़ कर रहे हैं। अब दो चार डेवलपर आए आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि इस स्विगी एप्लीकेशन जो है उस पर एक नया फीचर ऐड करते हैं जीनी का, कि कोई भी पिक कर लेगा, मेरा जो डिलीवरी होगा वो डिलीवरी बॉय तो पिक कर लेगा आपका सामान और आपका सामान उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी देगा। तो ये वाला फीचर मुझे ऐड करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने फीचर वन नाम से एक ब्रांच बना दिया और उस पर तीन चार डेवलपर्स काम करेंगे और अपना फीचर्स कमिट वगैरह करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो कोड वगैरह लगे वो लगाएंगे और कमिट वगैरह करते जाएंगे। जैसे ये तैयार हो जाएगा फीचर, वैसे ही इसको मर्ज कर दिया जाएगा मास्टर ब्रांच में। तभी मास्टर ब्रांच में ही हमने फीचर का कोडिंग क्यों शुरू ना करके और क्यों फीचर वन बना रहे, मतलब मास्टर ब्रांच पर ही हम लोग क्यों ना फीचर वन का कोड लिखना शुरू कर दें। इसके लिए एक अलग ब्रांच बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो फीचर वन है, जो नया फीचर हम ऐड कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं है कि कितना सक्सेसफुल होगा, उसका कोड बनाने में कितना समय लगेगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, या फिर वह सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, अभी टेस्टिंग बाकी है इस कोड की, इस फीचर के कोड की, या फिर बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जो हमें देखनी पड़ती है, तभी हम लोग उसको रिलीज करते हैं। तो अगर हम लोग मास्टर ब्रांच में ही उसका कोडिंग करना शुरू कर दें तो हम लोग कभी भी रिलीज नहीं कर पाएंगे एक नया वर्जन
बिना इस फीचर के पूरे कंप्लीट हुए, चाहे वो 1 साल लगे या 5 साल लगे। इसलिए एक नया ब्रांच बना दिया। अब इस ब्रांच पे जो काम और वो सेपरेट है, जो फीचर लगेगा, जो कोडिंग लगेगा वो लगाइए, जितना साल आपको लेना है लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मास्टर ब्रांच अलग है, कल को मुझे अगर नया ब्रांच भी बनाना है, फिर नया रिलीज भी निकालना, मैं मास्टर ब्रांच से नया रिलीज निकाल दूंगा। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि फीचर 1 हमारा बन गया, बन के तैयार है। अब इसको हमने मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिया। मास्टर ब्रांच में मर्ज करने के बाद हम लोग एक नया रिलीज 2 ब्रांच निकालेंगे और इसको कस्टमर को सर्व करवा देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक नया फीचर हमारा कंप्लीट हो गया, तो फीचर बनाने का और रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। उसको बना के और कंप्लीट है, प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है, रिलीज में जाने के लिए तैयार है, तो हम लोग उसको बनाकर और फिर मास्टर में ब्रांच करके फिर मास्टर से एक रिलीज 2 यानी कि वर्जन 2 बना के उसको कस्टमर को सर्व करवा देंगे, तो कस्टमर उसको यूज़ करेगा। तो इस तरीके से कस्टमर यूज़ कर रहा है। अब रिलीज 1 पर जो कस्टमर होगा वो रिलीज 1 वाला यूज़ करेगा, उसको नया फीचर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, यानी कि रिलीज 2 पे अपडेट करेगा या फिर अपग्रेड करेगा, वैसे इसको नया फीचर मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रेटेजी हमारा काम कर रहा है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि फीचर 1 ब्रांच या तो आप ऐसे ही कैरी करते जाइए आगे, या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज इस फीचर 1 ब्रांच का आप कोई काम नहीं। आपने इसका जो भी कोड था वो मर्ज कर दिया है मास्टर में, फीचर 1 ब्रांच का यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं, फीचर 1 में मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा, इस फीचर में को मैं और इन्हांस करूंगा, तो फिर आप चाहते हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये डेवलपर पर डिपेंड करेगा, कंपनी पर डिपेंड करेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर आके लेके चल रहा हूँ, आप मान सकते हैं, फिर डिलीट भी आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा समझ लीजिए। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नया फीचर आने पर ही नया रिलीज़ हो, नया वर्जन आए सॉफ्टवेयर का। ऐसा तो नहीं होता हमेशा कि नया फीचर आए तभी नया रिलीज़ हो, नया सॉफ्टवेयर का वर्जन आए, वैसा नहीं होता। तो हमने मास्टर ब्रांच पे 2-4 कमिट्स मारे और फिर हमने एक रिलीज 3 निकाल दिया बिना किसी फीचर के। हो सकता है कि कुछ क्रिटिकल बग होंगे जो किसी को पता नहीं बट मुझे पता है, या फिर कुछ लूप होल्स हैं हमारे कोड में जिसका किसी को पता नहीं मुझे पता था, तो मैंने इसको फिक्स किया और मैंने रिलीज 3 उसका निकाल दिया, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन 3 में निकाल दिया, फिर टेस्टिंग वगैरह करके और कस्टमर को मैंने सर्व कर दिया। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी हमारा है, जहाँ पर मास्टर ब्रांच है, रिलीज 1, फिर फीचर हमने बनाया, फिर रिलीज 2 और रिलीज 3 हमारा, और इसके दरमियान जो काम होता है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीज़ें या फिर फ्लो हो रही है। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपने कोई सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया, जैसे रिलीज 3 को मान के चलिए, यहाँ पर रिलीज 3 हमने कस्टमर को सर्व करने के लिए डाल दिया, कस्टमर यूज़ कर लिया, कस्टमर फीडबैक देता है कि इसमें जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, इस बटन पे होना चाहिए था कुछ लेकिन हो नहीं रहा, तो एक बग है हमारे सॉफ्टवेयर में। अभी इसको हम लोग हॉट फिक्स नाम से एक ब्रांच अलग सा बनाएंगे और उसको अर्जेंट बेसिस पे फिक्स करवाएंगे डेवलपर से, बिकॉज वो बटन काम करना चाहिए था प्रोडक्शन पे हमारा, जब कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो उस पर बग है, उसके बिना वो कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में नाम खराब हो सकता है उसका। तो उसको अर्जेंट बेसिस पे हॉट फिक्स नाम से एक ब्रांच बना के उसको फिक्स करवाएंगे, फिर जो भी उसका कोड लगेगा फिक्स करने में वह लगाएगा, कमिट मारेगा डेवलपर, और मान लीजिए कि फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद उसको पहले मास्टर ब्रांच में हम लोग उसको मर्ज करेंगे, तो मास्टर ब्रांच में हमने मर्ज किया, उसके बाद उसको हमें अपना जो रिलीज ब्रांच है उस पर भी मर्ज करना है। अभी 2 जगह क्यों मर्ज करना है? अगर आप इस पूरे क्या कह सकते हैं इसको डायग्राम को ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने रिलीज मारा है रिलीज 3 और मास्टर ब्रांच से मारा हुआ, यानी कि मास्टर ब्रांच में हमारा वो बग था जो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो फीडबैक होकर हमारे पास आया हुआ है। तो ये जरूरी है कि जो भी बग आपने फिक्स किया, हॉट फिक्स किया अर्जेंट बेसिस पर, वो मास्टर ब्रांच में फिक्स हो जाए, और साथ ही जो कि रिलीज कर चुके हम लोग सॉफ्टवेयर, तो रिलीज 3 में भी उसको फिक्स कर देना है, इसलिए उसको वहां पर ही मर्ज किया जाएगा। फिर एज अ पैच आप कस्टमर को एक 3.1 का रिलीज दे सकते हैं, या फिर उसी में आप किसी तरीके से उसको पुश करके और कस्टमर को कह सकते हैं कि भाई ये पैच है, आप अलग से इसको आप लगा लो, आपका काम हो जाएगा, मतलब वो आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। अभी जो जो कि हॉट फिक्स हमारा हो गया, हमने उसको मर्ज कर दिया मास्टर में और रिलीज 3 में, तो इस हॉट फिक्स का कोई काम नहीं है, तो इसको हमें हटा देना है, ठीक है, डिलीट कर देना है, इसको रखना नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रैटेजी है और इसी को हम लोग देखेंगे। हॉट फिक्स को मैं ना दिखाऊं, लेकिन ये हम लोग देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी हो, बोले आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से फ्लो होता है, बिकॉज वहाँ पर मैं फ्लो ठीक से बता नहीं पाऊंगा, यहाँ पर जितने अच्छे से मैंने आपको बताया, बिकॉज यहाँ स्लाइड स्लाइड एनिमेटेड होकर दिख रहा है, इसी वजह से वहाँ तो एनिमेशन दिखेगा नहीं, वहाँ डायरेक्टली हम लोग कमांड लगाएंगे और प्रैक्टिकल देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कि प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। होपफुली आपको सारे कमांड्स पहले से पता हो, बिकॉज कमांड्स पहले से पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप गिट इनिट का मतलब क्या होता है, गिट ऐड का मतलब क्या होता है, कैसे रिमोट ऐड कर सकते हैं आप अपना रेपो,
कैसे पुश कर सकते हैं ब्रांच, कैसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से कैरी कर पाएंगे अपने दिमाग में। चलिए देखते हैं। अभी जो स्ट्रेटेजी आपने देखा वह फॉलो करता है ये कुबरनेट्स का गिटहब, आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस है ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि मास्टर ब्रांच है, फिर ये लोग रिलीज फीचर रेट लिमिट, इन्होंने फीचर का नाम रख दिया हुआ है कि ये फीचर है रेट लिमिटिंग के लिए, ये सर्वर साइड अप्लाई के लिए, और ये वर्कलोड जीए के लिए, उन्होंने वहाँ फीचर वन फीचर टू इस तरीके से किया हुआ था। इस तरीके से रिलीज 0 से ये लोग शुरू कर रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से रिलीज कर रहे हैं। तो ये अब वहाँ पर, यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल इसका देख सकते हैं। बस इसी तरीके का ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी हमें अपना खुद का क्रिएट करना सीखना है। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, और आपको एक गिटहब की आवश्यकता पड़ेगी, होपफुली सभी के पास गिटहब होगा। गिटहब या सो और इस रेपोजिटरी में यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से रेपोजिटरी में क्लिक करके भी आ सकते हैं। यहाँ ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप में मैं हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट वन इसका नाम देता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट किया इस फोल्डर को, और ये मान के चले कि हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है जो मैं अब रिलीज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले वर्जन कंट्रोल में लेकर जाऊँगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा जिस पर एक फाइल है, और आप इसमें देखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है जिस पर एक बेसिक सा ये प्रोजेक्ट है, तो ये कोड भी होगा इस पर, जाहिर सी बात है। और ये लिखेंगे होम पेज, और एक लिख देता हूँ यहाँ पर कि मेरा मेरा प्रोजेक्ट है ये। अब इसको सेव कर दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट आप इसको रन दे भी सकते हैं, कॉपी पाथ करें और आप जाएं अपने वेब ब्राउजर पे, और इसको अगर आप पेस्ट एंड गो करेंगे तो आपको दिखेगा भी। तब ये मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, अभी मुझको ये रिलीज करवाना है वर्ल्ड वाइड, ताकि लोग इसको डाउनलोड करें और इसको यूज करें, ठीक है। ये मेरा मोटिव है। सो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्जन कंट्रोल में लेके चलेंगे, उसके लिए हमें इसको पहले गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अगर इस प्रोजेक्ट को आप देखें, मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर देखिए ये प्रोजेक्ट वन फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर में, तो ये भी सिर्फ एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसमें कोई भी गिट रिपोजिटरी वगैरह नहीं है। अभी हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं गिट रिपोजिटरी, तो इसको गिट रिपोजिटरी बनाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर कर लूँ तो आपको मैं दिखा सकूंगा, ऊपर करते हैं और इसको इधर करते हैं। अब इसमें सिर्फ करना है गिट init, यानी गिट init, जैसे ही करेंगे वैसे ही इनिशियलाइज करेगा एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे यहाँ पर डॉट गिट नाम से एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये डॉट गिट आपको देखने को मिल जाएगा, इसी के अंदर सारी चीजें मेंटेन होगी, वर्जन वगैरह जो भी होगा, जो भी कमिट्स होंगे, जो भी हम लोग ब्रांचेस वगैरह बनाएंगे, सब कुछ इसी के अंदर में मेंटेन किया जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट हमारा ये बन चुका है जो कि रिपोजिटरी भी है, और ये वर्जन कंट्रोल करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोकल है। अभी हमने अभी तक इसको रिमोट रिपोजिटरी में बदला नहीं है, ये लोकल रिपोजिटरी हमारा क्रिएट है, बट हमें रिमोट बनाना है जिससे कि वर्ल्ड वाइड हम लोग इसको यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लोकल में ही हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड डॉट कर देते हैं और ये हमारा ऐड हो जाएगा। आप गिट स्टेटस करके चेक कर सकते हैं कि ये भी इसको ट्रैक कर रहा है, आप इसको कमिट भी कर सकते हैं। अगर मैं गिट कमिट डैश एम और यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट कमिट और इंटर की प्रेस करें, तो ये हमारा कमिट हो जाता है। आप देखेंगे अभी गिट स्टेटस तक कोई भी कमिट करने के लिए कुछ भी है नहीं। तो ये हमारा लोकली, हमारा ये एक मास्टर ब्रांच में पुश हो चुका है, और ये आपको लोकली मेंटेन होकर दिख रहा है वो जो वर्जन वगैरह वर्ड, लेकिन हमें इसको देखना है रिमोट में। तो रिमोट में देखने के लिए, यानी कि रिमोटली इसको रिमोट रिपोजिटरी बनाने के लिए, आपको रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं गिट हब यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो बिट बकेट, गिट लैब किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गिट हब का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें रिपोजिटरी में जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे, या फिर यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से रिपोजिटरी में जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिपोजिटरी का क्या नाम है, तो जो प्रोजेक्ट का नाम है वही मैं रख देता हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट वन लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट क्या बनाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी के लिए पब्लिक रहने देते हैं, बिकॉज अगर प्राइवेट बनाएंगे तो फिर आपको SSH की आवश्यकता पड़ सकती है पुश पुल के लिए। तो अभी के लिए हम लोग पब्लिक रहने देते हैं। फिर ये कहता है कि क्या आप रेडमी फाइल ऐड करना चाहते हैं, क्या आप गिट इग्नोर फाइल ऐड करना चाहते हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको छोड़ दूंगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होता है मैं आपको वह दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया एक रेडमी फाइल सिर्फ, और यहाँ से लाइसेंस भी ऐड कर देता हूँ MIT का, और क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक कर दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में मेन ब्रांच आपका एक क्रिएट हो जाएगा रिमोट पे, आपको वह जो रेपो वगैरह दिखता है कमांड्स वगैरह वह नहीं दिखता, बल्कि आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर आपका ये मेन ब्रांच आपका एक क्रिएट हो जाएगा। फिर को क्या करना है, मेन को मास्टर बनाना है, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये मास्टर ब्रांच से ही हमारा पुश होगा। तो आप इसको चाहें तो मास्टर बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर मेन बना लीजिए फिर यहाँ पर मास्टर बना लीजिए, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, वरना एक मास्टर ब्रांच आपका पुश हो जाएगा और एक मेन यहाँ पर रहेगा, तो फिर उसे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफॉल्ट ब्रांच आपका क्या होगा, उसका नाम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मेन से लिख देते हैं मास्टर, और रीनेम ब्रांच में ये ब्रांच नेम विल बी मास्टर, रीनेम ब्रांच में क्लिक कीजिए और फिर आपका ये मास्टर ब्रांच हो जाएगा। डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, तब यहाँ पर मास्टर दिखाई देगा। देखेंगे वॉट इट द डिफॉल्ट ब्रांच नेम हैज बिन रीनेम्ड, और ये बता रहा है कि अगर आप लोकली अगर आपने ऐड किया हो तो आप किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट हमने लोकली तक कुछ किया नहीं है।
ये मास्टर ब्रांच हमारा हो गया और मेन नहीं है यहाँ पर, तो एक ये आपको ध्यान में रखना होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा जो हमारा होता है जिसपे कोई कुछ भी हमारे क्रिएट नहीं होता उसको दिखाते हैं, डिलीट रिपोजिटरी में क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा, मैंने कॉपी किया यहाँ पर, आई वॉन्ट टू डिलीट, आई हैव अंडरस्टूड, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट डिलीट करते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। अब वापस से उसी रिपोजिटरी में जाइए और न्यू में क्लिक कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ रेपो का नाम लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, जब हम लोग रेपो का नाम लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पब्लिक रखेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करेंगे, तो आपको ये इस तरह के स्क्रीन पर लिखा जाएगा, इस तरह के स्क्रीन पर, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कमांड्स हमें पता है। इनफैक्ट हम लोग गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमें अपने ब्रांच पे इसको ऐड करना है और पुश करना है। तो हमें जरूरत है सिर्फ इस HTTPS, इस URL की, जो URL आपको कोड में से ही मिल जाता है, यानी कि कोड में जाते हैं फिर वहां से कोड में क्लिक करते हैं तो वहां से आपको मिल जाता है, मेरे को दिखा नहीं पड़ता, थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर हमें इस HTTPS पे सेलेक्ट करना है और ये HTTPS का लिंक हमें चाहिए, SSH का लिंक नहीं, बिकॉज इससे आपको हो सकता है कि आपको सेटअप करना पड़े SSH की, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो HTTPS में रहेंगे, और ये लिंक हमें चाहिए। कैसे रिमोट रिपोजिटरी सेटअप करते हैं, ऐड करते हैं, वह दिखाता हूँ, बिकॉज हम लोग कमिट वगैरह कर चुके हैं। अब हमें रिमोट ऐड करना है और ये प्रोजेक्ट हमें पुश कर देना है अपने रिमोट में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको आइए, इसके बाद आपको गिट लिखना है, गिट रिमोट ऐड, और रेपो का नाम तो हम लोग लिखते हैं ओरिजिन, रेपो का नाम, और फिर यहाँ पर जो हमारा URL था, ये वाला HTTPS URL, इसको कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी हो गया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा ऐड हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, गिट रिमोट डैश वी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये हमारा इस रिमोट रेपो से ऐड हो चुका है, यानी कि लिंक हो चुका है। ओके, ये लोकल हमारा जो था अभी रिमोट बन चुका है, ये हो गया। अब आपको सिंपली इसको पुश करना है, तो पुश करने के लिए आप स्ट्रीम वगैरह है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सिंपली गिट पुश पुश करके इंटर की प्रेस कीजिए, आपको बता देगा कि आपका जो फैटल बता रहा है, करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, उसके लिए ये कहता है कि आप पहले इसको रन कीजिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप इस डैश डैश सेट अप स्ट्रिंग की जगह पर डैश यू भी लिख सकते हैं, वैसे भी आपका काम करेगा, जो मैंने आपको बताया। इंटर की प्रेस करेंगे, एक अप स्ट्रीम हमारा सेटअप होगा, यानी कि हमारे अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रिमोट रिपोजिटरी हमारा सेटअप कर रहा है ये हमारे लिए इस लोकल के साथ। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आकर अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको मैंने किया रिफ्रेश, और अभी देखिए अभी हमारा कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, मास्टर ब्रांच पुश भी हमारा हो गया और फर्स्ट कमिट वगैरह हमें दिख रहा है, और हमारा जो फाइल था index.html वह भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा मास्टर ब्रांच हो गया, हम लोगों ने जो PPT में देखा था कि हम लोग मास्टर ब्रांच पे हमारा आ गया। अभी हम लोग कुछ काम यहाँ पर करते हैं और कमिट करते हैं, एक एक कमिट चिपकाते हैं, जैसे कोई टेस्टिंग वगैरह करना, मुझे रिलीज करना है, रिलीज मुझे कोई टेस्टिंग वगैरह करना है, या फिर टेस्टिंग नहीं कह सकते इसको, मतलब कि हमने मास्टर ब्रांच में इसको पुश किया, अब पुश के बाद मुझे याद आता है कि नहीं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखना था, यहाँ पर तो मुझे लिखना था गिट की शो टाइटल, इसको सेव किया, अभी ये चेंज किया, तो ये चेंज हमें अब हमारे रिमोट पे दिखे, इसलिए हमें इसको ऐड करके पुश करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिट ऐड डॉट, ये ऐड हो जाएगा, फिर गिट कमिट डैश एम, और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल चेंज्ड, ये कमेंट में लिखा मैंने, इंटर की प्रेस किया, ये हमारा हो गया। अभी गिट पुश कर देते हैं इसको, तो ये मास्टर ब्रांच में जाके पुश हो जाएगा, इनिशियली मास्टर ब्रांच में ही जाके पुश होता है ये, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे यहाँ को ये चेंज होकर दिख जाएगा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, वो देखिए हमारा ये इंडेक्स में यहाँ पर दिख रहा है टाइटल चेंज, और यहाँ पर कोड में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वह चेंज देखने को मिल जाएगा, देखिए ये शो दिख रहा है, तो बस ये चेंज हो गया हमारा। सो जो भी काम करना था हमने किया, अब हम लोग एक इसका एक इस सॉफ्टवेयर का एक रिलीज निकालना चाहते हैं, रिलीज वन करके, तो एक नया ब्रांच हम लोग बनाएंगे, चलिए देखते हैं कि ब्रांच कैसे बनाना है और कैसे उसका रिलीज निकालेंगे। सो अभी तक जो कुछ भी अपडेटेड हमारा सॉफ्टवेयर है, जो चेंज वगैरह हमने किया, उसका एक रिलीज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आना है और ब्रांच गिट करना, अभी गिट ब्रांच करके देखेंगे, आपको सिर्फ एक ब्रांच दिखेगा जो कि मास्टर ब्रांच, तो गिट ब्रांच, और ब्रांच का क्या नाम है, ब्रांच का नाम है मान लीजिए रिलीज वन, ठीक है, रिलीज वन मैंने लिखा और इंटर की प्रेस मैंने किया, तो ये हमारा एक ब्रांच क्रिएट हो गया। अभी क्या ये ब्रांच हमें हमने यहाँ पर क्रिएट किया, तो क्या ये रिमोट में हमें दिखता है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मास्टर दिख रहा है, बट यहाँ पर कोई अदर ब्रांच हमें दिख नहीं रहा, देखिए, तो सिर्फ ये हमने लोकली क्रिएट किया हुआ। यहाँ पर अगर आप वापस से देखेंगे गिट ब्रांच करके रन, तो आप यहाँ पर दो ब्रांच देखिएगा, एक मास्टर रिलीज, बट अभी आपका सिर्फ ये लोकली है, इसको रिमोट पे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें चेकआउट करते हैं, गिट चेकआउट, और उस ब्रांच पे जाते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया, तो रिलीज वन नाम का हमारा ब्रांच है, इसके अंदर हम लोग स्विच कर गए, अभी आप देखेंगे गिट ब्रांच करके तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग इस ब्रांच के अंदर है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है। अब इसमें कोई टेस्टिंग वगैरह आपको करना है आप कीजिए, जैसे मैं एक टेस्टिंग यहाँ पर करता हूँ, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बस एक H3 लिखा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट, बस ये कोड चेंज हो रहा है, बट कोड चेंज आपको नहीं करना, आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है, तो मैंने फिर भी मैंने इसको लिख दिया, बिकॉज मेरे पास अभी कोई टेस्ट वगैरह का कुछ है नहीं, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और एक टेस्ट फाइल में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, मैं लिखा रिलीज वन टेस्ट ये लिखा, और यहाँ पर कोई भी लिख दीजिए टेस्ट फाइल और रिलीज वन ये लिखा, यहाँ पर टेस्टिंग का जो भी कोड होगा वह होगा, तो ये इस ब्रांच के अंदर हमने काम किया, जिसमें क्या करेंगे सिंपली
गिट ऐड और इसमें ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। फिर गिट और कमिट करेंगे, कमिट डैश एम, और यहाँ पर लिख देंगे कि रिलीज वन टेस्टेड, और इसको कर दीजिए कमिट। ये हमने कमिट कर दिया, इस ब्रांच के लिए सिर्फ कमिट हो रहा है, और फिर हम लोग इसको कर देंगे, तो इस ब्रांच के लिए ये हमारा कमिट हो गया। अगर मैं वापस से मास्टर ब्रांच पे जाऊँ, मैं इसमें चेकआउट करता हूँ, गिट चेकआउट और मास्टर, इंटर की प्रेस करते हैं, और ये मास्टर पे जाऊँ, देखिए हमारा रिलीज जो टेस्ट वाला फाइल फाइल था वो हमें मास्टर पे नहीं दिखता, बिकॉज मास्टर पे मुझे वो चाहिए ही नहीं था, मुझे वो सिर्फ चाहिए था रिलीज वन पे, बिकॉज उसी का वो टेस्ट फाइल था। तो हमारे ये सही तरीके से यहाँ पर लोकली काम कर रहा है। फिर वापस से रिलीज पे चले जाते हैं, रिलीज वन था आई बिलीव, क्या नाम था इसका, रिलीज वन, रिलीज वन, इंटर की प्रेस करते हैं, और हम लोग अभी रिलीज वन पे आकर देखिए हमारा ये टेस्ट फाइल वापस से आता है। एक कमिट हमने कर दिया रिलीज पे। अगर आप वो उस चार्ट को जो मैंने आपको दिखाया था, उस चार्ट को अगर सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पर मैंने बताया हुआ था कि मास्टर ब्रांच था, फिर हमने एक कमिट किया उस पर टाइटल चेंज का, फिर हमने एक ब्रांच बनाया रिलीज वन, फिर रिलीज वन पे हमने कोई कमिट किया था, 3 नंबर पे आपको दिखेगा वह, तो वह हमने टेस्ट फाइल बनाया एक, उसको हमने कमिट किया, और ये कस्टमर को सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसको हमें पुश करना पड़ेगा पहले रिमोट में, बिकॉज अभी रिमोट में नहीं है ये, आप देखेंगे यहाँ पर रिमोट ऐप ओपनिंग, वो सब लोकली हमने किया। रिमोट पे देखिए अभी कोई ब्रांच हमारा रिलीज वन का नहीं, तो इसको रिमोट पे पुश करने के लिए हमें यहाँ लिखना है। देखिए पहले सी एल एस करते हैं, पहले देख लेते हैं कि गिट ब्रांच किस ब्रांच पे हम लोग हैं, हम लोग हैं रिलीज वन ब्रांच पे, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर लिखना है गिट पुश देन रेपो का नाम जो कि ओरिजिन है, और यहाँ पर हमारा जो ब्रांच का नाम होगा रिलीज वन, इंटर की प्रेस करते हैं, और देखिए हमें क्या बताता है। तो ये हमें ये साइज बताता है, रिलीज वन टू गिटहब ब्रांच दिस 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 बता रहा है। हमने गिट पुश किया ओरिजिन रिलीज वन ब्रांच। अभी हम लोग वापस आके इसमें देखेंगे रिमोट रिपोजिटरी में, यहाँ पर कहता है कि रिलीज वन ब्रांच हैड रिसेंटली पुश्ड लेस देन अ मिनट अगो। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, पहले एक बार रिफ्रेश किया और यहाँ पर दो ब्रांच हमें दिख रहा है, और ये ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको गायब हो जाएंगे कुछ समय के बाद। यहाँ पर देखिए ब्रांच आपको दो दिखेगा, एक मास्टर ब्रांच जिसमें सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, और यहाँ पर रिलीज वन ब्रांच में आपको दो फाइल्स दिखेंगी, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक जो रिलीज वन टेस्ट किया था हुआ। तो ये जो फाइल है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है रिलीज वन, ये क्या करेगा, ये बंदा डाउनलोड करेगा, जिसको भी यूज करना है डाउनलोड जिप में क्लिक करके, और वो उसको यूज करेगा बजाय मास्टर को डाउनलोड करने के, बिकॉज मास्टर में काम चल रहा है कंटिन्यूस। रिलीज वन हमने रिलीज कर दिया है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर इसको इस प्रोजेक्ट को या फिर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हमारा हो गया रिलीज वन तक का काम यहाँ पर समाप्त। यहाँ पर चीजें हमारी सेपरेट है, एक मास्टर ब्रांच अलग है हमारा, उस पर अपना अलग काम हो सकता है, उसका असर आपको रिलीज वन ब्रांच पर नहीं दिखेगा। रिलीज वन ब्रांच पर अगर आप कोई टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसका असर आपको मास्टर ब्रांच पर नहीं दिखेगा। सो अगर हम लोग मास्टर ब्रांच पर कोई कमिट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा ये रिलीज वन पर दिखता है या नहीं, तो ये हमें देखना है। तो हम लोग चलते हैं कोड में यहाँ पर, और पहले तो हम लोग यहाँ से सी एल एस करते हैं, और गिट ब्रांच हम लोग अभी रिलीज वन पे हम लोग चेकआउट करते हैं। गिट चेकआउट मास्टर ब्रांच पे चेकआउट कर लिया मैंने, अभी ये कह रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट गिट ब्रांच करके, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा कि मैं मास्टर ब्रांच में, ठीक है। एक नया इसमें चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज किया वैसे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कि आफ्टर रिलीज वन मास्टर ब्रांच चेंज, ये मैंने लिखा चेंज, ये लिखा, इसको सेव किया। अभी ये मास्टर ब्रांच में सिर्फ हमारा चेंज होगा, उसके लिए हम गिट ऐड करेंगे। अभी आप स्टेटस देखेंगे इसका, गिट स्टेटस, तो आपको ये दिखेगा कि ये मॉडिफाई हुआ है गिट, ये आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर थोड़ा कर दूँ क्या, गिट ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड कीजिए किसको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, या फिर अभी के लिए सिर्फ ऑल कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये हमें कमिट करना पड़ेगा, तो कमिट डैश एम, और यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं कि चेंज आफ्टर रिलीज वन, ये लिखा और इंटर की प्रेस करते हैं, और ये हमारा हो गया। तो ये सिर्फ लोकली अभी हमने पुश नहीं किया, इसको हम लोग पुश करेंगे, तो गिट पुश हम लोग करेंगे, तो ये मास्टर ब्रांच पे डिफॉल्ट ब्रांच जो लेता है वो पुश लेता है। अभी यहाँ पर आप ग्रेंड, यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पर मास्टर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपका अगर ब्रांच स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो। या फिर सिंपली आप गिट पुश करेंगे तो भी ये मास्टर ब्रांच पर ही जाके लेगा, देखिए मास्टर ब्रांच पर जाके ले रहा है, ठीक है। अब ये जो हमने चेंज किया, ये हमें सिर्फ मास्टर ब्रांच पर दिखना चाहिए, रिलीज ब्रांच पर नहीं दिखना चाहिए, ये हमें एग्जामिन करना है। तो यहाँ पर आइए और आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करता है कि हमारा एक बार रिलोड हो जाए, देखिए रिलोड होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है चेंज आफ्टर रिलीज वन, तो ये आपको दिख भी जाएगा। और आप इसके कोड में जाकर देखेंगे, यहाँ पर दीजिएगा आफ्टर रिलीज वन मास्टर ब्रांच चेंज, तो ये चेंज हुआ, ये मास्टर ब्रांच पर दिख रहा है, लेकिन क्या यही सेम चीज हमें रिलीज वन पे दिख रहा है क्या, बिकॉज वो दिखना नहीं चाहिए। तो मास्टर से रिलीज वन में आया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद देखिए इसके इंडेक्स में आता है, देखिए टाइटल चेंज तक ये दिख रहा है, इसमें वो जो हमने रिलीज वन के बाद जो चेंज किया मास्टर में, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जो कि अच्छी बात है। तो ये सॉफ्टवेयर जैसे था वैसे ही है, और ये यूज करता रहेगा कस्टमर हमारा, और मास्टर ब्रांच का काम हमारा आगे चलता जाएगा। तो ये रिलीज वन तक काम हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो इसके आगे क्या था, इसके आगे एक कुछ डेवलपर आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक नया फीचर इसमें ऐड करते हैं इस सॉफ्टवेयर पे, तो हम लोग एक नया फीचर ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया ब्रांच बनाएंगे।
इसमें सीएलएस करते हैं। अभी देखिए गिफ्ट ब्रांच हमारे पास दो ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, रिलीज वन ब्रांच। हम लोग मास्टर ब्रांच से एक नया ब्रांच बनाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग गिट गिट ब्रांच, ब्रांच का नाम लिखेंगे हम लोग फीचर वन। तो ये फीचर वन दिया और हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं, हमारा एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। ब्रांच आप लिख के चेक कर सकते हैं, देखिए हमारे पास तीन ब्रांच है, फीचर वन, मास्टर और रिलीज वन। तो हम फीचर ब्रांच में जाना है, हम लोग गिट करते हैं, गिट चेकआउट और यहाँ पे लिखेंगे फीचर फीचर वन, ये है ना, यही तो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग सही है। अभी गिट ब्रांच में आप इसको करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ फीचर वन ब्रांच के अंदर है, बिकॉज वो ग्रीन कलर में आपको दिखाई देते हैं। तो फीचर वन ब्रांच के अंदर हम लोग अभी हैं। अभी हम लोग इसमें फीचर में क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड, तो मैं यहाँ चाहता हूँ एक नया फाइल क्रिएट करना। यहाँ पर इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये स्टाइलिंग में जाना चाहता हूँ, स्टाइल सी एस एस, मैंने ये लिख दिया। एक मैं इसमें स्टाइल देना चाहता हूँ, इसमें देना चाहता हूँ बॉडी में स्टाइल देना चाहता हूँ, मैंने लिखा बॉडी। और यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा ब्राउन, ये ब्राउन कलर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया। ये एक नया फीचर मैंने ऐड कर दिया इसमें, अब ये फीचर वन में है। अब मुझे ये मैंने मास्टर में क्यों नहीं किया, मैंने आपको रीजन पहले बता दिया कि फीचर वन का एक अलग ब्रांच बना के क्यों करना है। सो अभी के लिए क्या है, अभी हमारा ये एक फीचर है, अभी इस फीचर को मुझे पहले तो पुश करना है। तो उसके लिए हम लोग गिट ऐड करेंगे, गिट ऐड ऑल कर देता हूँ मैं, ये हमने ऐड ऑल किया, फिर गिट कमिट करेंगे। तो गिट कमिट डैश एम और यहाँ पर लेते हैं फीचर एडेड, फीचर फीचर वन एडेड, ये फीचर वन एडेड, या फिर फीचर वन में स्टाइल एडेड लिख सकते हैं, फीचर वन स्टाइल एडेड ऐसा लिख दीजिए और फिर इंटर की प्रेस कर दीजिए, आपका कमिट हो गया। और ये सिर्फ आपको फीचर वन में दिखेगा, ये आपको ना तो रिलीज वन में दिखेगा और ना ही मास्टर में दिखेगा। मैं आपको दिख करके दिखाता हूँ, तो पहले लोकली चेक कर लेते हैं। तो चेकआउट करते हैं मास्टर ब्रांच में, क्योंकि मास्टर ब्रांच में आपको ये स्टाइल सीएसएस नहीं दिखेगा, वहाँ पर वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप रिलीज वन में जाते हैं, रिलीज वन में, तो वहाँ भी आपको वह स्टाइल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो रिलीज वन में रहेगा उसको ये स्टाइल फीचर नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब। वापस से चलते हैं फीचर वन वाले ब्रांच में, फीचर वन वाले ब्रांच में मैं गया, यहाँ पर देखिए स्टाइल हमारा सीएसएस फिर से आ गया। तो अब हम लोग इसको पुश कर देते हैं, तो हम लोग गिट पुश ओरिजिन और हमारा फीचर वन नाम से हमारा ब्रांच है, बस इतना लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए। और ये हमारा गिटहब पे जाएगा रिमोट पे, देखिए फीचर वन से। तो हम लोग यहाँ पर जाके चेक करेंगे पहले ये आया या नहीं, तब सिंपली प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए ताकि आपका ये रीलोड हो जाए। और यहाँ पर देखिए तीन ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, यहाँ मास्टर ब्रांच में जाएंगे तो आपको सिंपली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखेगा, फिर अगर आप रिलीज वन में जाते हैं, तो फीचर वन में जाते हैं, तो यहाँ पर स्टाइल के साथ दिखेगा, स्टाइल के साथ। और अगर रिलीज में जाते हैं तो ये पुराना वर्जन हमारा अब रहेगा आफ्टर रिलीजिंग टू। अभी तो हमने टू रिलीज नहीं किया, बट अभी हमारा ये पुराना वर्जन है, बना नहीं है अभी अब तक का, ये लेटेस्ट है। तो रिलीज हमने फीचर वन अपना बना दिया। मान लीजिए कि फीचर वन में जो भी काम करना था आप चाहें तो कुछ और चेंज कर लीजिए, कमिट हम लोग फाइव मारते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कमिट फाइव जो आपको उसमें मैंने आपको दिखा था पीपीटी में, उसमें आप देखिएगा कमिट फाइव लिखा हुआ होगा। एक किस ब्रांच में पहले आप ये देखिए, हम लोग अभी है फीचर ब्रांच में, ठीक है। इसमें एक और चेंज हम लोग कर दें, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देंगे, कलर ये हो जाएगा ये वाला, कोई सा ब्राउन के अगेंस्ट में कौन सा कलर हम लोग करें, ये वाला कर देते हैं, पता नहीं ये कौन सा कलर है। इसको सेव किया, अभी ये एक नया कमिट मारेंगे, तो इन ऐड पहले करेंगे ऐड सब कुछ, जो भी फाइल चेंजेस सभी को ऐड कर दो, यानी इंडेक्स में कोई चेंज होता है वह भी, स्टाइल में चेंज होता है वह भी, स्पेसिफिक करना है तो आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। इसको कमिट करते हैं, कमिट डैश एम, और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके क्या लिखेंगे कि टेक्स्ट कलर Changed in feature वन, ऐसा लिखा, इंटर की प्रेस किया, ये हमारा कमिट हो गया। अभी सिर्फ हमारा ये लोकली है, लोकली कमिट हुआ, रिमोट पे नहीं आया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आके इसको रिफ्रेश कीजिएगा, हम लोग फीचर वन ब्रांच में है, ध्यान रहे, तो देखिए आपको कमेंट में नहीं दिखाई देगा कि हमने टेक्स्ट कलर को चेंज किया हुआ, ठीक है। इसको पुश करना पड़ेगा, पुश करने के लिए हम लोग लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन और फीचर वन ब्रांच पे, यहाँ पर सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा जा रहा है, ये हमारा चला गया। और यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश करके इसको, यहाँ पर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस में वो चेंज होकर दिखेगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट सबसे पहले तो आप कमेंट दी जाएगा, टेक्स्ट कलर चेंज इन फीचर वन, यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस करेंगे, देखिए बॉडी में चेंजेस वगैरह दी जाती है, आपको दिख रहा होगा होपफुली, देखिए ये दिख जाएगी, दिख गई। अभी हमने फोर और फाइव दो कमिट्स यहाँ पर कर लिए, आप चाहें तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। बट मैंने उतना कॉम्प्लीट नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने उसमें चेंज वगैरह नहीं किया, वैसे भी एक फाइल पर आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो ये फोर और फाइव हमने कमिट मार दिया, आपको उसमें फोर फाइव कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वो जो हमने पीपीटी में आपको दिखाया था उसमें से देखिएगा, फोर फाइव कमिट मार दिया। अब हमारा फीचर पूरा रेडी है, अब बात बारी है कि इस फीचर को मर्ज कर दिया जाए मास्टर ब्रांच के साथ। तो मर्ज कैसे करते हैं वह देखिए, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आते हैं पहले, और यहाँ पर तीन ब्रांचेज हमारे पास, एक मास्टर ब्रांच है, एक रिलीज वन ब्रांच है, फीचर वन। फीचर वन और मास्टर ब्रांच दोनों को हमें मर्ज करना है, बिकॉज फीचर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब उसका रहने का कोई मतलब नहीं बनता, या फिर अलग रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब मुझे इसको मर्ज करना है, एक नया वर्जन रिलीज करना है इस नए फीचर के साथ। तो मुझे मर्ज करना है मास्टर के साथ, आपको जाना पड़ेगा पहले मास्टर ब्रांच में, चेकआउट कीजिए मास्टर ब्रांच। मैं मास्टर ब्रांच में चेकआउट कर गया, इसको पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप किस ब्रांच में है, मास्टर ब्रांच में है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है गिट मर्ज,
और कौन सा ब्रांच आपको मर्ज करना है मास्टर ब्रांच के साथ जिसमें आप अभी हैं, फीचर वन को, तो इंटर की प्रेस कीजिए और देखिए हमारा ये मर्ज हो गया और मास्टर ब्रांच में आप हैं। आपको स्टाइल और सीएसएस मास्टर ब्रांच में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसको, अगर इसमें हमने इसको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद अगर आप इसको इसका स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ऑन योर ब्रांच अहेड ऑफ दिस 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 कमिट दिस दिस दिस। तो मर्ज हमने कर लिया, अभी ये कह रहा है कि अहेड है तो कोई नहीं, हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो अभी हमारा रिमोट रेपो में है, वह है यहाँ पर आइए और रिमोट रेपो के मास्टर ब्रांच में आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी हमारा यहाँ पर देखिए फीचर ब्रांच अलग है, मास्टर ब्रांच अलग है। मास्टर ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, बट हमारा जो लोकली हमने मर्ज कर दिया है तो हमारा मास्टर ब्रांच पे स्टाइल डॉट सीएसएस भी आ चुका है। मास्टर ब्रांच पर ही हूँ मैं आपको दिखा दूँ, हमने लोकली मर्ज किया। अब इस मर्ज को हम लोग पुश कर देंगे रिमोट पे, हम लोग इसमें करते हैं गिट पुश और इंटर की प्रेस कीजिए, ये मास्टर ब्रांच पे जाएगा। देखिए मास्टर ब्रांच पे ये हमारा गया, यहाँ अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस देखने को मिल जाएगा मास्टर ब्रांच पर, ठीक है। और मास्टर ब्रांच में फीचर वन का जो भी था हमारा वो मास्टर ब्रांच पे आ चुका है, यानी कि फीचर वन और मास्टर ब्रांच दोनों हमारा सेम सेम हो गया है और हमें आगे लेकर मास्टर ब्रांच ही जाना है, फीचर वन का अब कोई काम नहीं है। तो आप फीचर वन ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, ये मास्टर ब्रांच में यहाँ पर, और फीचर वन को हम लोग डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए पहले लोकली डिलीट करते हैं यहाँ पर और इसको सीएलएस करते हैं। डिलीट डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले गिट ब्रांचेस, तो हम लोग तीन ब्रांच हमारे पास है, अभी डिलीट करते हैं गिट ब्रांच, देन डैश डी लिखिए और ब्रांच का नाम है फीचर वन, ये लिखा, इंटर की प्रेस किया, डिलीट ब्रांच वन वाज दिस। तो हम लोग हमारा ये ब्रांच डिलीट होगा, गिट ब्रांच में अगर लिख करेंगे तो ये फीचर हमारा नहीं है अभी अभी, सिंपली हम लोग इसको पुश करें अगर पुश, या फिर हम लोग अभी स्टेटस देखें गिट स्टेटस, यहाँ पर हमें दिखता है कि योर ब्रांच इज अप टू डेट मास्टर ब्रांच दिस दिस दिस। तो हम लोग एक गिट पुश करके यहाँ पर एक बार अपना खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग एक बार पुश कर लेते हैं, हमने एवरीथिंग इज अप टू डेट हमें दिख रहा है। पर लोकल से तो हमारा डिलीट हो चुका है, लेकिन हमारा रिमोट पे अभी भी देखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट वन पे अगर क्लिक करें तो अभी भी हमें यहाँ पर तीन ब्रांच देखने को मिलती है। अब हमें इसमें से डिलीट करना, डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ से व्यू ऑल ब्रांच में यहाँ पर जाइए और ये इजी तरीका है, यहाँ पर जाना है, फिर आपको एक ब्रांच दिखेगा यहाँ पर देखिए फीचर वन, तो ये वाले जो फीचर वन है यहाँ पर सिंपली डिलीट में क्लिक कीजिए और इसमें क्लिक करते ही हमारा डिलीट हो जाएगा। ये रिस्टोर का भी हमें ऑप्शन देता है, बट हमें रिस्टोर नहीं करना है, हम लोग वापस चलते हैं प्रोजेक्ट वन पे और यहाँ पर आपको सिर्फ दो ब्रांच अब दिखेंगे, देखिए मास्टर और रिलीज वन। तो हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद मुझे एक नया रिलीज और निकालना है, तो मैं रिलीज नया निकालूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा वापस से यहाँ पर। अगर आप मास्टर पे कोई कमिट करना चाहते हैं, जिसमें एक कमिट था हमारा कमिट नंबर 6, तो वह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कमिट और मार देता हूँ यहाँ पर कि फीचर वन डिलीटेड, या फिर लिख दिया आफ्टर डिलीटिंग फीचर वन, तो ये हमने किया। अभी हम लोग इसको मास्टर ब्रांच पर ही, तो हम लोग इसको करेंगे गिट एड डॉट, एड कर दिया, फिर गिट कमिट डैश एम और यहाँ पर लिख दीजिए कि कुछ भी लिख दीजिए, सम लिख दिया, सम ऐसे लिख दिया कमिट, और ये हमारा हो गया। तो कमिट कर दिया हमने लोकली, अब इसको पुश कर देते हैं गिट पुश, ये हमारा मास्टर ब्रांच में चला जाएगा। देखिए ये मास्टर ब्रांच में जा रहा है, ये मास्टर ब्रांच में चला गया होगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा वैसे, बट मैं सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ कमेंट दिखाता हूँ, कोड पर जाकर नहीं देखेंगे। देखिए सम दिख रहा है, मतलब वहाँ पर चेंज भी हो गया होगा। अभी वापस आइए यहाँ पर, तो ये 6 कमिट था हमारा, अगर उस पीपीटी से इसको कंपेयर कर रहे हैं उस केस में। अब एक और हम लोग कमिट मारेंगे इसमें, कमिट 7, तो मैं इसमें सिर्फ लेता हूँ H3 और इसमें लेते हैं कमिट, या फिर लेते हैं अबाउट टू रिलीज 2 और इसमें सेव किया। वापस से इसमें हमें करना है ऐड और वापस से करना है कमिट, हमने सम 1 कर दिया, ये हो गया। ये अभी हम लोग पुश कर सकते हैं इसको रिमोट पे, अगर आपको इतना ही चाहिए मास्टर ब्रांच पे तब पुश कर सकते हैं। ये हमारा सम 1 करके यहाँ पर दिख जाएगा, ये बार बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, देखिए सम 1 दिख रहा है। अब इतना काम करने की वजह मुझे एक रिलीज 2 बनाना है ब्रांच, मुझे एक नया वर्जन चाहिए अपने सॉफ्टवेयर का जो कि नए फीचर के साथ और ये 2 कमिट्स के साथ होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नया ब्रांच बनाएंगे यहाँ पर, इसको सीएलएस करते हैं गिट ब्रांच। अभी हमारे पास 2 ब्रांच है, एक गिट ब्रांच में रिलीज रिलीज 2 इस नाम से एक ब्रांच बनाना, तो मैंने ब्रांच बनाया गिट ब्रांच करके, देखिए आपको एक ब्रांच दिख जाएगा रिलीज 2, इसमें आप गिट चेकआउट कर सकते हैं चेकआउट, और इसमें रिलीज 2 लिखिए, आप इसमें स्विच कर जाएंगे गिट ब्रांच रिलीज 2 ब्रांच में। यहाँ पर आप कोई टेस्टिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें एक फाइल यहाँ पर गेट करता हूँ और इसमें लिखते हैं रिलीज 2 टेस्ट, ये वाली फाइल, और यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट फाइल, फाइल क्या लिख रहा हूँ, फाइल फॉर रिलीज 2, और इसको हम लोग गिट ऐड करेंगे। ये अब कह रहा है कमिट नंबर 8, अब उस पीपीटी से कंपेयर करेंगे, तो ये हमने ऐड किया, फिर इसको कमिट करते हैं कमिट M और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमिट 8, ठीक है, बिकॉज मुझे और कुछ इसमें दिख नहीं रहा। तो कमिट 8 हमने इसमें कर दिया, अभी सिर्फ ये लोकली हमारा हुआ, इसको पुश करना पड़ेगा हमें अपने रिमोट पे, तो उसके लिए करेंगे गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन रेपो का नाम और किस नाम से करना है रिलीज 2 नाम से, तो कस्टमर को सर्व किया जा रहा है गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन रिलीज 2 किया,
और ये रिलीज टू हमारा अब यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें नया वर्जन है हमारा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो नया वर्जन और जो मास्टर बेस चेंज था वो सब हमारे पास होगा। तो यहाँ पर आइए, और जिसको भी पुराना वर्जन चाहिए होगा वो रिलीज वन से जिसमें स्टाइल शीट उसको नहीं मिलेगा वह डाउनलोड करके यूज कर सकता है। अगर उसको नया वर्जन चाहिए जिसमें स्टाइल शीट है तो वह रिलीज टू को सिलेक्ट करेगा और इसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। अब यहाँ तक रिलीज टू तक हमने देखा, इसके दरमियान हमारा मास्टर ब्रांच अभी भी वर्क में था, जो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता बिकॉज मैं अकेले काम कर रहा हूँ और डेवलपर होते तो वो काम करते हैं। बट आप जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, गिट चेकआउट और मास्टर ब्रांच में जाइए, वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा जो टेस्टिंग फाइल था वह। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये नहीं। अभी इसमें हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, जैसे एक और चेंज कर देते हैं कि ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर रिलीज टू लिखता हूँ, रिलीज टू चेंज, और यहाँ पर गिट ऐड करेंगे। अब किस ब्रांच में है चेक कर सकते हैं, गिट ब्रांच लिख के मास्टर ब्रांच में है तो गिट ऐड डॉट, ये हमारा ऐड हो जाएगा। फिर गिट कमिट, और ये कमिट नंबर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पीपीटी से कमिट नंबर आपको ये मिलेगा, कमिट 9। ओके, सो ये कमिट किया। अब एक और आप कमिट मार सकते हैं, यहाँ पर आइए और ये लिखते हैं समथिंग चेंज इन मास्टर, तो मास्टर ने कुछ चेंज किया, वापस से वही ऐड करना है और हमारा ये कमिट हो जाएगा, कमिट नंबर 10। तो हमने बस मास्टर ब्रांच में ही कुछ कुछ चीज़ें चेंज की और हम लोग एक नया रिलीज निकालना चाहते हैं, रिलीज 3 निकालना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कुछ नया फीचर ऐड हो तभी हमारा रिलीज निकाला जाए नया, ऐसा जरूरी नहीं। तो एक नया ब्रांच हम लोग फिर से बनाएंगे, पहले गिट ब्रांच आप चेक करेंगे आपको 3 ब्रांचेस दिखेंगे, हम लोग वापस से गिट ब्रांच और रिलीज 3 करते हैं और ये आपको एक और ब्रांच दे देगा। गिट ब्रांच लिख के देखिए, एक रिलीज 3 आपको दिख रहा है, तो गिट चेकआउट और रिलीज 3 में आइए, यहाँ पर हम लोग स्विच कर गए। देखिए गिट ब्रांच का, हम लोग किस ब्रांच में, रिलीज 3 में है। यहाँ पर आप कोई टेस्टिंग वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, मैं एक इसमें नया फाइल ऐड करके आपको दिखाता हूँ, वही रिलीज 3 टेस्ट ये वाली फाइल, और टेस्ट फाइल और रिलीज 3 ये लिखा, सेव किया। अभी इसको सिंपली कमिट करेंगे तो गिट ऐड पहले कर लेते हैं, ऐड कर लिया, फिर गिट कमिट और -m, ये हमारा कमिट नंबर कितना है, अगर नंबर वाइज बताऊं तो ये हमारा कमिट नंबर होगा 11। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कमिट 11, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमेंट लिखूँ तो मैंने कमिट 11 ही लिख दिया। ये कमिट हो चुका है। अब ये सिर्फ अभी लोकली, इसको रिमोट पे हम लोग अभी तक लेके नहीं गए हैं, तो जो भी काम करना था रिलीज पे वो हमने टेस्टिंग वगैरह जो भी करना था वो हमने कर लिया। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि आपको कोई भी रिलीज 3 नहीं मिलेगा, रिलीज 2 तक ही मिला। हम लोग एक नया रिलीज यहाँ पर पुश करेंगे, उसके लिए यहाँ आना है वापस से और लिखिए गिट पुश ओरिजिन रिलीज 3 वाला ब्रांच पुश कर दो। तो मैंने इंटर की प्रेस किया और ये पुश हो रहा है, देखिए ये पुश हो गया न्यू ब्रांच, और यहाँ पर आप आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे अब तो यहाँ आपको एक और ब्रांच दिख जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको 4 ब्रांचेस दिखेंगे यहाँ पर। एक मास्टर ब्रांच होगा, एक होगा रिलीज 1 ब्रांच, एक रिलीज 2 और रिलीज 3। तो रिलीज 1 ब्रांच में इसको मिलेगा विदाउट CSS, देखिए CSS का कोई फाइल नहीं है। रिलीज 2 में हमने CSS का फीचर ऐड किया था, तो रिलीज 2 में CSS का फीचर मिल जाएगा। बाकी रिलीज 3 में हमने छोटा मोटा मास्टर ब्रांच में फिक्स किया और फिर इसको रिलीज किया रिलीज 3 को, तो यहाँ पर आपको वह चीज़ें रिलीज 3 में मिलेंगी। ठीक है, इसका अपना टेस्टिंग फाइल वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने डेवलपमेंट को भी साथ में रखा और रिलीज को भी साथ में रखा। हॉट फिक्स कोई हो तो हॉट फिक्स भी आप कर सकते हैं, जिससे मास्टर जैसे हमने रिलीज 3 किया, कोई फीडबैक आया कि कोई बटन काम नहीं कर रहा, तो उसके बेस पे हम लोग एक नया ब्रांच यहाँ पे बना सकते हैं हॉट फिक्स का, और उसको बग को फिक्स करेंगे, फिर उसको मर्ज कर देंगे मास्टर के साथ और रिलीज 3 के साथ, फिर उस हॉटफिक्स को डिलीट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया डिलीट करने का, उसे डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा वो 1.3.1 से एक रिलीज निकाल के और आप मतलब ब्रांच निकाल के और फिर उसको आप आगे फॉरवर्ड कस्टमर को कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है, अगर आप ब्रांच और गिट पुश के साथ अगर खेलना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने, लेकिन जिनको जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है और कैसे इंडस्ट्री में काम होता है ब्रांचेस के साथ वह क्लियर नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि मैं हॉट फिक्स को यहाँ पर नहीं दिखा रहा बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, और ज़्यादा लंबा हो जाने से कोई देखते नहीं है आप लोग, इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप उसको कीजिएगा, एक टास्क है आपके लिए कि एक हॉट कोई अगर रिलीज 3 के बाद अगर कोई बग आया हुआ है फीडबैक के द्वारा, तो आपको एक नया ब्रांच क्रिएट करना है हॉट फिक्स नाम से, फिर उसमें एक दो कमिट मारिएगा, फिर उसको मर्ज करना है मास्टर ब्रांच पे और रिलीज ब्रांच में, फिर एक रिलीज 3.1 आपको ब्रांच बना के इसको रिलीज करवाना है, जो कि रिमोट रेपो में दिखना चाहिए। तो आपके लिए टास्क इसको आप अचीव कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट में कि आपने किया है या नहीं, कि आप कर पाए हैं या नहीं। और दोस्तों मेरा चैनल जो कि डाउन जा रहा है, स्टैटिक्स बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। सो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।